हेलो एवरीवन, आई एम भावना एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रिव्यू. मैं भावना, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे. सो आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ अनबॉक्सिंग एंड रिव्यू ऑफ WD-1TB एक्सटर्नल हार्ड डिस्क का. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. तो सबसे पहले गाइज हम जान लेते हैं एक्सटर्नल हार्ड डिस्क क्या होती है. बेसिकली हार्ड डिस्क या हार्ड ड्राइव दो टाइप की होती हैं, एक्सटर्नल एक इंटरनल. इंटरनल हार्ड डिस्क जनरली हमारे लैपटॉप और पीसी में होती है, एंड एक्सटर्नल हमें एज अ स्टोरेज बैकअप के लिए हम उसे यूज कर सकते हैं. ये एक स्टोरेज डिवाइस होता है जिसमें आप अपने डेटा का बैकअप इजिली ले सकते हैं, एंड काफी ज्यादा यूजफुल होता है बिकॉज आजकल की लाइफ में हमारे पास फोन में इतना सारा डेटा हो जाता है कि उसका बैकअप लेना बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि हमारी इतनी सारी मेमोरीज होती हैं जिसको हम कहीं किसी भी तरीके से लूज नहीं करना चाहते हैं. तो आप उसको एज अ बैकअप अपनी एक्सटर्नल हार्ड डिस्क में ले सकते. तो चलिए प्रोडक्ट को अनबॉक्स करके देख लेते हैं. तो ये प्रोडक्ट आपको कुछ इस टाइप के बॉक्स में मिलने वाला है, एंड प्रोडक्ट का नाम है माई पासपोर्ट. 1TB का ये आपका हार्ड डिस्क है, एंड चलिए देख लेते हैं इसकी साइड में क्या क्या मेंशन है. WD मीन्स वेस्टर्न डिजिटल की ये कंपनी है, इट्स थाईलैंड बेस्ड कंपनी. एंड इसमें आपको क्या मिलने वाला है, माई पासपोर्ट, ये पासवर्ड प्रोटेक्शन के साथ आपको मिलेगा. तो इट्स अ वेरी गुड थिंग, आपका डेटा इसमें बिल्कुल सेफ रहेगा, एंड इसमें आप अपना बैकअप ले सकते हैं. एंड 3 ईयर्स की वारंटी के साथ मिल रहा है, जो इसका एक अच्छा की पॉइंट है. 3 साल तक आप इसे अच्छे से यूज कर सकते हैं बिना किसी टेंशन के. तो चलिए बॉक्स को ओपन करके देख लेते हैं. तो इसके अंदर एक और बॉक्स आपको मिल जाता है कुछ इस टाइप का, जिसको आप एज अ केस भी आप यूज कर सकते हैं. सो सेफ्टी के पर्पज से काफी अच्छी इन्होंने पैकेजिंग की हुई है. एंड ओपन करते ही आपको सबसे पहले दिखने वाला है एक मैनुअल, जिसमें आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी कि इसे आपको कैसे यूज करना है. तो आप इसे रीड आउट कर सकते हैं. एंड दिस इज आवर हार्ड डिस्क. तो आप देख सकते हैं कितनी स्लिम इन्होंने डिजाइन की है, आप इजिली इसे हैंड्स में कैरी कर सकते हैं. एंड इसमें आपको एक केबल मिल जाता है जिससे आप डेटा ट्रांसफर के लिए यूज कर सकते हैं, एंड इसे आप एज अ केस भी यूज कर सकते हैं. काफी अच्छा, अगर आप इसे टेम्पररी एज अ केस यूज करना चाहते हैं तो ये भी एक अच्छा ऑप्शन है. तो चलिए देख लेते हैं. अगर इसकी डिजाइन की बात करें तो काफी स्लिम इन्होंने डिजाइन किया है, वेरी लाइट वेटेड. अगर आप इसे एक नॉर्मली किसी भी फोन से कंपेयर करते हैं तो आप साइज देख सकते हैं कितना छोटा साइज है, एंड बहुत ज्यादा लाइट वेटेड है. आपको कैरी करने में कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं आने वाला है, आप अपने हैंड्स में भी इसे इजीली कैरी कर सकते हैं. एंड यहाँ पे आपको पोर्ट मिल जाएगा जिससे आप इस केबल को कनेक्ट करके अपने डेटा को ट्रांसफर कर सकते हैं या अदर किसी के साथ शेयर कर सकते हैं. एंड यहाँ पे जो इन्होंने इस टाइप से इन्होंने एक अलग से डिजाइन दिया है, तो ये आपकी ग्रिप काफी अच्छे से मजबूत बनाने वाला है, क्योंकि ये एरिया जो है काफी प्लेन है और यहाँ पे आपको कुछ कर्व्स मिल जाएंगे, तो आप इजिली से ऐसे इसकी अच्छे से ग्रिप आपकी बन जाएगी, तो हाथ से फिसलने का ऐसा कोई ज्यादा डर नहीं है, क्योंकि दोनों साइड में ये ग्रिप्स दी गई है. चलिए बात कर लेते हैं इसके यूसेज की. तो बेसिकली हम ड्राइव क्यों खरीदते हैं, क्योंकि हमारे पास जनरली ये एक अच्छे ऑप्शंस होते हैं. अगर आप कहीं भी अपनी किसी मीटिंग में जा रहे हैं, आपके पास बहुत सारी प्रेजेंटेशन है, PPT फाइल्स आपने बनाई हुई है, तो आप इसे उन फाइल्स को एज अ बैकअप रख सकते हैं. सपोज कई बार क्या होता है, हमारा लैपटॉप वर्क नहीं करता है या आप कहीं जा रहे हैं तो आपका लैपटॉप अचानक से खराब हो गया, तो उस टाइम पे आपके पास एक बैकअप ऑप्शन रहता है, तो आप इसे इजीली वहां पे किसी के लैपटॉप में या डायरेक्ट किसी के पीसी में कनेक्ट करके आप अपनी प्रेजेंटेशन को कैरी ऑन कर सकते हैं. तो मतलब बैकअप के ऑप्शन होते हैं, बिकॉज आपने जनरली देखा ही होगा कि फोन में हमारा इतना सारा डेटा रहता है डे टू डे का, एंड ऑलरेडी फोन ऐप से इतना भर जाता है, OS ऑलरेडी उसमें स्टोरेज ले लेता है, तो अच्छे ऑप्शंस होते हैं. तो चलिए देख लेते हैं इसकी स्पीड के बारे में. सो जनरली इसमें जो स्पीड मेंशन की गई है 120 to 125 MBPS आपका डेटा ट्रांसफर की इसमें स्पीड इन्होंने मेंशन की हुई है. तो चलिए हम खुद से देख लेते हैं कि एग्जैक्टली इन्होंने जो बोला है उतनी स्पीड है या नहीं. सो स्पीड चेक करने के लिए मैं अपना कुछ डेटा ट्रांसफर करने वाली हूँ. तो ये बैकअप फाइल मैंने ले ली है, तो इसमें जो डेटा है 2.54 GB का है. तो चलिए देख लेते हैं क्या स्पीड आती है. तो मैं ये डेटा कॉपी कर लेती हूँ. तो ये मैंने कॉपी कर लिया डेटा को, एंड अब मैं माय पासपोर्ट में इसको ट्रांसफ़र करने वाली हूँ. तो पहले देख लेते हैं हमें किसने कितनी कैपेसिटी मिल रही है. तो हमें 931 GB का स्टोरेज मिलेगा इसमें. तो चलिए अब देख लेते हैं क्या इसमें स्पीड आने वाली है. तो यहाँ मैंने इसको कर दिया है पेस्ट. हम चेक कर लेते हैं इसमें हमें क्या एग्जैक्टली स्पीड मिल रही है. तो आप देख सकते हैं 120 तक गया था ये, 119, 121. सो आप देख सकते हैं
कितनी जल्दी ये बैकअप हो रहा है एंड 69% हो गया है बहुत जल्दी एंड कितनी स्पीड में ये जा रहा है एंड ऑलमोस्ट 120 ने टच कर लिया था एंड आप देख सकते हैं कितनी इजीली इतना सारा डेटा ट्रांसफ़र हो गया है। एंड अगर इसकी अवेलेबिलिटी की बात करें तो ये आपको 3 कलर्स में मिल जाएगा। दिस इज ब्लैक, आपको उसमें ब्लू और रेड कलर्स भी अवेलेबल है एंड दिस इज 1 TB। एंड इसकी कैपेसिटी की अगर बात करें तो ये आपको 1, 2, 4 एंड 5 TB के स्टोरेज में मिल जाएगा। आप अपनी नीड के अकॉर्डिंग इनको परचेज कर सकते हैं एंड ये सारी साइट्स पर अवेलेबल है। लाइक आप इसे अमेजोन, फ्लिपकार्ट या अपने नियर बाय क्रोमा या आप रिलायंस के स्टोर से इसको परचेज कर सकते हैं। एंड अगर इसकी मैं एमआरपी की बात करूं तो इसमें जो बॉक्स पे जो मेंशनड एमआरपी है 8120, अगर आपको इशू रहा होगा काफी छोटा लिखा हुआ है, बट मैंने इसको अमेजोन से ओनली 3799 में परचेज किया था। प्राइस थोड़े वेरी कर सकते हैं क्योंकि मैंने इसको जिस दिन लिया उस दिन आप इसको लें तो उसमें प्राइस तो ऑनलाइन चेंज होते रहते हैं, तो ये काफी अच्छी डील है क्योंकि अगर आप इसके मेंशनड एमआरपी को कंपेयर करें तो बहुत बड़ा एक डिस्काउंट आपको मिल जाता है। एंड इसकी सबसे अच्छा जो फीचर मुझे लगा ये पासवर्ड प्रोटेक्शन के साथ आपको मिल रहा है। दैट्स मीन अगर आपका जो डेटा है, अगर आपका कोई क्रिटिकल डेटा है, कोई भी चीज कॉन्फिडेंशियल चीज अगर आप इसमें रख रहे हैं तो वो एकदम सेफ रहेगा, बिकॉज इसमें आप इजिली कोई भी ऐसा पासवर्ड लगाइए जो आप कोई भी क्रैक ना कर पाए। तो ये काफी अच्छा इसमें ऑप्शन है कि आप अपने डेटा को पासवर्ड प्रोटेक्शन के साथ इसमें अच्छे से बिना किसी डर के सेव कर सकते हैं। तो इट्स अ वेरी गुड पॉइंट ऑफ द हार्ड डिस्क एंड आप इसे इजिली विंडोज में कनेक्ट कर सकते हैं, अपने टीवी के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। एंड अगर आपको इसे मैकबुक में कनेक्ट करना है तो आपको उसके लिए अलग से कनेक्टर की जरूरत पड़ेगी, जिससे आप इसे मैकबुक में भी कनेक्ट कर सकते हैं और अपने नॉर्मल किसी भी एंड्रॉयड फोन में भी आप इसको कनेक्ट कर सकते हैं। तो आप डेटा के लिए इजिली केबल के थ्रू आप इसे किसी से भी कनेक्ट करके अपने डेटा को शेयर और इसमें एज अ बैकअप ले। सो गाइस, टेम्प्रेरी यूज के लिए मैंने आपको बता दिया था, अगर आप टेम्प्रेरी यूज करना चाहते हैं तो आप इसे एज अ केस यूज कर सकते हैं, बट मैंने एक ऑलरेडी परचेज कर लिया था तो ये मैंने एक टिज्म का हार्ड डिस्क ड्राइव केस मंगाया, तो इसको भी नेक्स्ट वीडियो आपके साथ शेयर करूंगी जो मैंने इसका एक केस लिया है। काफी अफोर्डेबल था एंड अगर आपको मेरी वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड कमेंट कीजिए एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।